सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में तो आप लोग बहुत कुछ जानते होंगे। ये सभ्यता इतना एडवांस था कि आज हम लोग जिस जिंदगी को जी रहे हैं वही जिंदगी ये लोग 4,500 साल पहले जी चुके हैं। आज इस सभ्यता के बारे में अमेरिका, यूरोप सहित पूरी दुनिया जानना चाहता है कैसे इस सभ्यता के लोग इतना उन्नत थे और क्यों ये सभ्यता दुनिया के नक्शे से अचानक से गायब हो गया और क्यों इस सभ्यता के बारे में किसी भी इतिहास और किसी भी पुराण में इसका जिक्र तक नहीं मिलता। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बहुत ही करीब से जानने वाले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक सभ्यता है। इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख शहर हुआ करता था मोहनजोदारो, जो आज के पाकिस्तान के सिंधु प्रांत में सिंधु नदी के किनारे बसा था। करीब 4,500 साल पुरानी इस शहर की खोज आज से 150 साल पहले हुई थी। 19वीं सदी से लेकर अब तक हड़प्पा सभ्यता की सैकड़ों जगह का पता लगा जा चुका है। मोहनजोदारो में जब खोजकर्ताओं को कई सालों तक काम करने के बाद जमीन के नीचे से इस शहर को खोज निकाला था और यहाँ कई जगहों पर कंकाल भी मिले, इसीलिए इस शहर को मोहनजोदारो कहा जाने लगा। हड़प्पा सभ्यता के बारे में दुनिया बहुत कम जानती है लेकिन जितना जानती है वो हैरान कर देने वाला है। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ ऐसी हैरान कर देने वाली बातें जानेंगे जो आपके लिए अनसुना और नया होने वाला है। 1856 में एक अंग्रेज इंजीनियर जो इस इलाके में रेलवे ट्रैक बनाने के काम पर जुटा था, उसे यहाँ जमीन पर धसी कई सारी पुरानी ईंटें मिली जो दिखने में बिल्कुल आज की ईंटें जैसा थी लेकिन काफ़ी मजबूत थी। जब पास के गांव के एक आदमी ने उसे बताया कि उस गांव की हर घर इन्हीं ईंटों से बना है जो यहां जमीन की खुदाई पर मिलती है, तभी वो अंग्रेज समझ गया कि ये ईंटें कोई मामूली ईंटें नहीं है। तब पहली बार चार्ल्स मैनसन ने 1942 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की। इसके बाद दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता और राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदारो की आधिकारिक खोज की। मोहनजोदारो के लोगों का जीवन जीने का तरीका आज के लोगों को हैरान कर देता है। अगर आज मोहनजोदारो होता अमेरिका, यूरोप जैसे देशों से भी कहीं ज़्यादा विकसित होता। ये शहर पूरे 500 एकड़ में फैला था जो उस वक्त के काफ़ी बड़ा शहर हुआ करता था। यहाँ मिले अवशेष से पता चलता है कि एक बड़े दरवाजों से शहर का रास्ता खोलता था। यहाँ कुछ ऐसे बड़े घर भी मिले हैं जिसकी 30 कमरे तक हुआ करता था। यहाँ के लोग घर बनाने में जिन ईंटों का इस्तेमाल करते थे वो कोई आम ईंटें नहीं थी बल्कि वाटरप्रूफ ईंटें थी। यहाँ के स्नान घर और नालियों में इस ईंटों का इस्तेमाल हुआ करता था। उस पर जिप्सम और चारकोल की पतली परत चढ़ाई जाती थी। चारकोल की पतली परत किसी भी हाल में पानी को बाहर निकालने नहीं देती थी। यहाँ से पता चलता है कि मोहनजोदारो के लोगों को चारकोल और जिप्सम जैसी तत्वों की भी जानकारी थी जिसे हमारे वैज्ञानिकों ने कई सालों बाद खोजे थे। आज हम लोग जिस कुएं का इस्तेमाल कर रहे हैं ये माना जाता है कि दुनिया को सबसे पहले कुएं का देन हड़प्पा सभ्यता ने दी थी। इस शहर में 700 से ज़्यादा कुएं होने का सबूत मिले हैं। मोहनजोदारो शहर कोई सामान्य शहर नहीं था। इस शहर में बड़े बड़े घर, चौड़े सड़कें, सड़क के दोनों साइड नालियां और बहुत सारी कुएं होने का प्रमाण मिले हैं।
आप ये जानकर और भी चौंक जाएंगे कि इस शहर में घरों के पानी और गंदगी निकालने के लिए नालियां तक बनाई गई थी। यहाँ के लोग स्वच्छता के मामले में इतना जागरूक थे कि जिन्हें शायद आज के लोग भी इतना नहीं है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे, हजारों साल पुरानी इस सभ्यता के घरों में बाथरूम और टॉयलेट भी हुआ करता था, और टॉयलेट भी ऐसा जिसे आज हम लोग अंग्रेजी टॉयलेट कहते हैं। मोहनजोदारो का एक रहस्य ऐसा है जो आज तक कभी सुलझ नहीं पाया, और वो ये है कि यहाँ की खुदाई में मिली चीज़ों पर कौन सा लिपि का बनावट है, इसे वैज्ञानिक आज तक समझ नहीं पाए। अगर यहाँ की भाषा वैज्ञानिकों को समझ में आ जाए तो यहाँ छुपे हजारों कई राज सामने आ सकता है। यहाँ एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल खोजा गया जिसका आकार 900 स्क्वायर फीट था। इसे द ग्रेट बाथ नाम दिया गया। इस स्विमिंग पूल को ऐसी टेक्निक में बनाया गया था जिसके तहत इसमें सिंधु नदी का पानी भरा जाता था। दुनिया का सबसे मशहूर रोमन बाथ, जिसे काफी पुराना और ऐतिहासिक माना जाता है, हड़प्पा सभ्यता के सैकड़ों साल बाद बनाया गया था। मोहनजोदारो में किसी भी मंदिर का कोई अवशेष नहीं मिला है, पर तीन मुख वाले एक मूर्ति जरूर मिला है जिसके चारों ओर हाथी, गेंडे, चीता और भैंस है। सबसे पहले स्वस्तिक का निशान मोहनजोदारो में मिला था। यहाँ खुदाई में मिली कुछ कंकालों के दांतों का निरीक्षण जब किया गया तो एक चौंका देनी बात सामने आई कि वो लोग आज की तरह नकली दांतों का इस्तेमाल करते थे। इसका मतलब ये हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के लोग चिकित्सा पद्धति में काफ़ी हद तक विकसित थे। इस सभ्यता के लोग कितना विकसित थे इसका एक और उदाहरण ये है, उस समय इन लोगों ने अपने शहर को बाढ़ के पानी से बचाने के लिए शहर के बाहर एक बड़ा बांध निर्माण किया था। और यही नहीं, इस बाढ़ के पानी को छोटे छोटे टैंक में जो शहर के चारों ओर बनाई गई थी उसमें जमा करते थे। इस पानी का इस्तेमाल तो पूरा शहर करता ही था, बल्कि पूरे साल भर वो लोग इस पानी का इस्तेमाल खेतों में करते थे। आज के समय में इस जगह के गांव में बारिश के मौसम में पूरा पानी भर जाता है, लेकिन आज से 4,500 साल पहले यहाँ रहने वाले लोग इसका हाल निकाल लिया था। आज हमारे कुछ शहरों में गर्मियों के मौसम में पानी की समस्या रहती है, और उसके बावजूद हम लोग बारिश के पानी को इकट्ठा करके उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन मोहनजोदारो में खोजकर्ताओं ने कुछ ऐसी स्ट्रक्चर खोज निकाली है जिसे ये पता चलता है कि यहाँ के लोग बारिश के पानी को इकट्ठा करके उसका इस्तेमाल कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन में करते थे। यहाँ के लोग तांबे, पीतल और लकड़ियों के आभूषण और हथियार और तो और सोने की कलाकृति बनाने में माहिर थे। यहाँ भारी मात्रा में सिक्के मिले हैं जो मिट्टी के थर पर एक खास तरह के सांचों से बनाई जाती थी। आज के कई सारे आधुनिक खिलौने भी यहाँ खुदाई में मिली है जो मिट्टी के बने थे। और तो और यहाँ के लोग शतरंज जैसे खेल भी खेलते थे। मोहनजोदारो में व्यापार बड़े पैमाने पर होता था। उन दिनों कोई भी मुद्रा नहीं चलती थी, बल्कि चीज़ों की अदला बदली पर व्यापार होता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग समुद्र के रास्ते दूसरे देशों के साथ व्यापार करते थे, और इसका सबूत मिला है अबूधाबी में। अबूधाबी में खोजकर्ताओं को एक कुआं मिला है, और इस कुएं से हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी कुछ चीज़ें मिली है जो दिखाती है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग समुद्री मार्ग में 3,500 किलोमीटर दूर तक का सफर तय करते थे। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुई।
वैज्ञानिकों ने यहाँ मिली कुछ चीजों की कार्बन डेटिंग के बाद कुछ तथ्य सामने रखे हैं, और इसे ये पता चलता है कि मौसम में आया बड़ा बदलाव इस सभ्यता का विलुप्त होने का बड़े वजह थी। धीरे धीरे नदियों ने अपनी धाराएं बदल ली, पानी की भयंकर कमी हो गई, साथ ही खराब मौसम इस सभ्यता के लिए कई मुसीबत लेकर आ गई और ये सभ्यता धीरे धीरे विलुप्त तो होने लगी। मोहनजोदारो वो सभ्यता थी, जो आज होता तो ये सभ्यता कहां से कहां होता। ये थे सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।